आज हम लोग क्लास 11 का मैथ्स का चैप्टर 7 कॉम्प्लेक्स नंबर्स यानी सम्मिश्र संख्याएं, इसके अंतर्गत क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यानी द्विघात समीकरण, इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। जो इसका एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो होता है। तो इसके द्वारा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये जो एक्सरसाइज हम 7 एक ही क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे यहाँ, इसमें वो क्या करना है, द्विघात समीकरणों को हल करना है, सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट नंबर जिसका है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फाइव इजिकल टू जीरो, इसको हमको सॉल्व करना है। यहाँ इसको लिखेंगे कंपैरिजन गिवन इक्वेशन फ्रॉम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ हो जाएगा ए इक्वल टू वैल्यू हो जाएगी, इसको करेंगे तो ए इक्वल टू ये 1 हो जाएगा, बी इक्वल टू हो जाएगा माइनस टू, सी इक्वल टू हो जाएगा ये 5। अब ये इसको डी फाइन कर लेंगे, डी इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी इसकी वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 5। ये हो जाएगा 2 को दुगुना करें 4 हो जाएगा, माइनस 4 पंचे 20, सी वैल्यू आएगी माइनस 16। तो यहाँ इसको करेंगे x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस डी, क्योंकि ये रूट में जो होता है 20 का माइनस 4 इसकी होता है जिसके कल ये वैल्यू होती है अपॉन 2a है, तो माइनस बी यानी वैल्यू जाएगी माइनस में प्लस हो जाएगा यहाँ, क्योंकि बी की वैल्यू है जो यहाँ दिया हुआ है ये माइनस 2 होगा यहाँ पास, इसको अच्छे से लिख लेते हैं, माइनस 2 है वैल्यू ये, तो यह माइनस में प्लस हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, और प्लस माइनस जो वैल्यू है, और माइनस 16 को हम 16i भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि जो वैल्यू है 16 और ये हम माइनस 1 और माइनस 1 या इसको हम आई से भी इसको डिनोट करते हैं, तो इसको 16i इसके आई की वैल्यू को लिख सकते हैं यहाँ। तो ये हो जाएगा वैल्यू यहाँ, और 16i जो इसका स्क्वायर रूट होता है वर्गमूल होता है वो 4 होता है, 4i होगा यहाँ पास। जैसे यहाँ ये माइनस 1 है, माइनस 1 जो वैल्यू है ये आई स्क्वायर इसको लिखा जा सकता है वैल्यू को, तो हम इसको लिखते हैं यहाँ पास, ये जो है ये आई स्क्वायर फॉर्म में रहता है ये, तो इसका जो स्क्वायर रूट होता है वो 4i होगा, तो 4 हमने यहाँ लिखा है, इसके बाद 2 इंटू ए यानी 1 इसकी वैल्यू है, तो ये हो जाएगा दोनों से दो कॉमन करेंगे तो वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस माइनस 2i अपॉन 2 टू कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 1 प्लस माइनस 2i, ये वैल्यू इसमें आ जाएगी, दो इसकी वैल्यू होगी, पहला तो होगा 1 प्लस 2y, दूसरा होगा 1 माइनस 2y, क्योंकि प्लस माइनस वैल्यू है इसकी। इसी में 7th नंबर क्वेश्चन है रूट 3 एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस 3 रूट 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ लिखेंगे a इक्वल टू है रूट 3, बी इक्वल टू माइनस रूट 2 और सी इक्वल टू है 3 रूट 3। तो डी फाइंड करें, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी यानी माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू रूट 3 और सी की वैल्यू 3 रूट 3, तो हो जाएगा इसका स्क्वायर करें तो इसका रूट हटेगा 2 आएगा यहाँ पास, इसके बाद जो वैल्यू है ये रूट थ्री 3 हो जाएगा, 3 त्रिकाई 9 और 4 3 12 हो जाएगा, 4 3 12
नहीं, इसका करेंगे तो ये तो हो जाएगा 3 और 3 9, यानी हो जाएगा 4 × 9, यानी 2 ऋण ये 9 चौक 36, ये वैल्यू आ गई -34। उसके बाद इसमें एक्स इक्वल टू -b प्लस माइनस √d/2a, यानी हो गया √3, और b की जो वैल्यू है -√2, तो ये माइनस में प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √2 प्लस माइनस, और d की जो वैल्यू आई यहाँ पास वो वैल्यू आई है 30, क्योंकि -34 ऊपर तो उसको -34, और ये बार इसको i लिखेंगे 2√3। इसकी वैल्यू आ गई, यहाँ दो वैल्यू इसकी आ जाएगी, जैसे √2 है प्लस √34i/2√3, और दूसरी हो जाएगी √2 − √34i/2√3, इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसमें 15 नंबर क्वेश्चन है, 15 में दिया हुआ है x²−4 − i/i(x+9 − 7i=0। यहाँ हो जाएगी a इक्वल टू वैल्यू हो जाएगी 1, और ये जो b की वैल्यू है, b की वैल्यू यहाँ हो जाएगी −4 − i, और c की जो वैल्यू हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी 9 − 7i, या d फाइंड करेंगे, d = b²−4, इससे b की वैल्यू है −4 − i का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, −4 a की वैल्यू 1, और c की वैल्यू 9 − 7i, इसका स्क्वायर में तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पास, ये हो जाएगा 16 − 8i + i²−, इसमें गुणा करेंगे तो 4 × 9 = 36, और माइनस में प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 × 28, आई वैल्यू है यहाँ पर, इसको और आगे सॉल्व करेंगे, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 तो 16 − 1, और 28 से 8 को माइनस करेंगे तो 20 आएगा, यानी ये −36 और +20 आई, तो ये हो जाएगा 15 − 36 + 20i। अब इसमें से घटाएंगे इसकी वैल्यू को, तो ये आएगा 36 से 15 घटाएंगे तो ये आएगा 26 21 + 20i, इसकी वैल्यू आई। और इसको आगे देखते हैं, तो यहाँ इसकी वैल्यू देखेंगे, x = −b± √d/2a, बी की वैल्यू ये जो दिया हो यहाँ पास, माइनस में प्लस हो जाएगा तो 4 − i + − d की जो वैल्यू ये लिखेंगे इसको हम 31 + 20i √2a की वैल्यू तो 1 है तो 2 ही रहेगा यहाँ पास, तो ये इसकी जो है ये वैल्यू आ जाएगी इसमें। और जैसे हम इसको अब सॉल्व ही कर सकते हैं, जैसे यहाँ इसका हम इसको स्क्वायर रूट निकालना है, जैसे हमने पहले वीडियो में बताया था कि हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कैसे स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, तो उसको आइए उसको फाइंड करेंगे, तो यहाँ देखते हैं इसको, यहाँ जो वैल्यू है ये वैल्यू जब माइनस करेंगे तो −21 होगा, ना कि 31 होगा, यहाँ ये −21 + 20i यहाँ पास हो जाएगा, अब ये जो है ये 21 ही होगा यहाँ पास। अब इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा −21 + 20i = जैसे इसका हमने पहले बता सके हम इसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं, तो इसी प्रकार से मानेंगे x + iy, अब दोनों पक्षों के स्क्वायर करेंगे तो −21 +
ट्वेंटी आई स्क्वायर हो जाएगा एक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर, फिर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू आई एक्स वाई प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन होती है तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस टू आई एक्स वाई। अब दोनों तरफ हम इसके रियल नंबर्स और इमेजरी नंबर्स की आपस में तुलना करेंगे तो इसका वास्तविक संख्या हो जाएगी, इसका इमेजरी नंबर हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस ट्वेंटी वन और टू एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा ट्वेंटी। तो यहाँ वैल्यू इसकी हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा माइनस ट्वेंटी वन और टू एक्स वाई इक्वल टू वैल्यू हो जाएगी ट्वेंटी। अब इसको अब हमको क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यहाँ दिया हुआ है, हमको यहाँ चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चाहिए जिससे हमको यहाँ एक्स और वाई की वैल्यू मालूम हो सके। तो इसके लिए यहाँ देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू रूट लगाएंगे यहाँ पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई का होल स्क्वायर। ये वैल्यू दिया होती है माइनस ट्वेंटी वन का होल स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई का ट्वेंटी का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन में मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा चार सौ इकतालीस और ये ट्वेंटी का आ जाएगा फोर हंड्रेड। दोनों को जोड़ेंगे तो आएगी वैल्यू आठ सौ इकतालीस और इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो वैल्यू होगी ट्वेंटी नाइन, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वैल्यू आ गई ट्वेंटी नाइन। इसको इक्वेशन थर्ड मानते हैं और ये थर्ड नहीं यहाँ जो इक्वेशन है ये वाली इसको हम ये फर्स्ट माने और यहाँ जो है सेकंड थर्ड और ये फोर्थ नंबर ये। अब लिखेंगे फ्रॉम टू एंड फोर्थ ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस ट्वेंटी वन और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वैल्यू हो जाएगी ट्वेंटी नाइन। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल होगा टू एक्स स्क्वायर वैल्यू भी आएगी यहाँ पास ट्वेंटी नाइन ट्वेंटी वन को माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी एट या एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एट पॉइंट टू यानी फोर या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं प्लस माइनस टू। अब हमको यहाँ वाई की वैल्यू चाहिए तो हम इस वैल्यू को हम फोर में रखें तो ये आ जाएगा फोर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ट्वेंटी नाइन। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू ट्वेंटी नाइन माइनस फोर ये वैल्यू हो जाएगी ट्वेंटी फाइव। तो वाई की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस फाइव। अब इस वैल्यू को रख लेंगे जो हमने माना था माइनस ट्वेंटी और ट्वेंटी वन और प्लस ट्वेंटी आई। तो इसका जो वर्गमूल आ जाएगी यहाँ वैल्यू आएगी इसकी वो आएगी एक्स यानी प्लस माइनस टू प्लस फाइव आई ये आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब यहाँ इसकी वैल्यू को रखेंगे जहाँ हमने इसको सपोज किया था यहाँ पर वैल्यू को रखेंगे यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर टू फोर माइनस आई प्लस माइनस टू प्लस फाइव आई अपॉन हो जाएगा टू। यहाँ दो वैल्यू होगी एक प्लस लेने पर एक माइनस लेने पर, तो इसको देखेंगे ऑन प्लस साइन वैल्यू होगी यहाँ पास एक्स स्क्वायर टू फोर माइनस आई प्लस टू प्लस फाइव आई अपॉन टू। तो चार दो छः हो जाएगा पाँच से एक आई घटाएंगे पाँच आई से तो ये फोर आई हो जाएगी यानी वैल्यू हो जाएगी सिक्स प्लस फोर आई अपॉन टू। दो यहाँ से कॉमन कर सकते हैं तो थ्री बचेगा और टू आई अपॉन टू
टू टू कैंसिल होगा तो थ्री प्लस टू आई इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब माइनस साइन पे लेंगे और माइनस साइन तो एक्स इक्वल टू वैल्यू हो जाएगी फोर माइनस आई माइनस टू माइनस फाइव आई अपॉन टू। तो पाँच से चार घटाएंगे पाँच आई से चार तो ये माइनस आई आएगा और ये माइनस टू माइनस आई अपॉन टू इसकी वैल्यू इसमें आएगी। यहाँ जो वैल्यू आई है माइनस फाइव आई माइनस आई माइनस सिक्स आई हो जाएगा और ये टू आई हो जाएगा। तो ये टू और ये हो जाएगा माइनस सिक्स आई तो इसका असल टू माइनस सिक्स आई अपॉन टू। टू कॉमन करेंगे तो वन माइनस थ्री आई अपॉन टू ये हो जाएगा वन माइनस थ्री आई ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ लिख सकते हैं हेंस एक्स इक्वल टू थ्री प्लस टू आई और वन माइनस थ्री आई। तो आज उन्होंने देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं उसमें हमने क्वेश्चनों को सॉल्व किया। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी एग्जाम में आते हैं। वो आपको यदि कहीं कोई दिक्कत है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।